Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Abdul Qayyum from FEI Naugam. Dear students, in previous lecture we have discussed about types of colloidal solution. Now today we will discuss about saturated and unsaturated solution. So today's topic is saturated and unsaturated solutions. और ये जो आज का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 8 है इस चैप्टर का दैट चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड स्फीयर. तो ये इस लेसन का इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है. तो देखते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो आपको क्या करना है, वाटर लेना है और वो वाटर लेना है किसी बीकर में या किसी ये किसी और पॉट में, तो उसमें उसको आपको क्या करना है, ये शुगर ऐड करना है. तो यू विल गेट द शुगर सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपने एक बीकर लिया और उसमें वाटर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर उसमें 1 लीटर वाटर लिया, ठीक, और आप ये शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, आप इस वाटर में सॉल्यूशन ऐड करना ताकि शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा. जो ही आप शुगर ऐड ये वाटर को करोगी और ये डिसॉल्व होता जाएगा शुगर इस वाटर में, लेकिन एक स्टेज आएगा कि अगर एक स्टेज आएगा कि आप शुगर ऐड और करोगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा इस वाटर में. तो जब सोल्यूट अब दैट मींस शुगर ऐड नहीं हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं हो जाएगा इस वाटर में, इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. तो इसका मतलब है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम क्वांटिटी होती है सोल्यूट की, इसीलिए अब उसमें और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. It is that solution in which no more solute can be dissolved at that temperature. यानी वो solution जिसमें solute more dissolve नहीं हो जाएगा at a given temperature पे, तो इसको saturated solution कहते हैं. Temperature का इसमें खास ख्याल रखना है कि temperature change नहीं करना है, क्योंकि उससे यानी solubility पे effect पड़ता है, increase decrease होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करोगे. सॉलिबिलिटी क्या होती है, यानी सॉल्वेंट में सोल्यूट जितना मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाएगा उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं. सॉलिबिलिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट. जो गिवन टेम्परेचर होगा उसी पे आपको उसी पे ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है. A saturated solution contains maximum quantity of solute which can be dissolved in it at that temperature. यानी saturated solution में maximum quantity होती है, maximum amount of solute होता है, जिसकी वजह से और solute इसमें add नहीं हो जाता है. तो saturated solution आपको याद रखना है कि वो solution जिसमें maximum quantity of solute हो, अगर और उसमें solute add किया जाए वो डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है. अब हम इसकी एग्जांपल एक देंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे मैंने 20 फिर डी सी जी मीन्स डी डिग्री सी सेंटी एंड जी ग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. इस एग्जांपल का मतलब क्या है कि आप यानी ये देखा गया ये एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन प्रूव दैट अगर 100 ग्राम ग्राम ऑफ वाटर लिया जाए और उसमें जो मैक्सिमम सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है वो सोल्यूट वो कितना डिजॉल्व होता है, 36 ग्राम्स. यानी 36 ग्राम्स मैक्सिमम
क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व होता है इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपने एक बीकर में वाटर कितना लिया 100 ग्राम्स। उसमें अगर आप सोल्यूट यानी सोडियम क्लोराइड ऐड करोगे तो ओनली 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड उसमें डिजॉल्व होता है। अगर आप उसके फॉर एग्जाम्पल आप 40 ग्राम्स 50 ग्राम्स उसमें ऐड करना चाहोगे लेकिन वो अब डिजॉल्व नहीं हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन इज सेड टू बी नाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, इसमें मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट अब ऐड नहीं हो जाएगा लेकिन टेम्परेचर कितना 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रिवर्स है टू दैट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्वड इन इट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर इज नोन एज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर रेज नहीं करना है। आपने कोई सॉल्यूशन लिया और आप उसमें और सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है लेकिन टेम्परेचर यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना है या इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। तो इसका मतलब है इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और ऐड होता है क्योंकि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी, इसीलिए और सॉल्यूट डिजॉल्व होता है उस सॉल्वेंट में, गिवन सॉल्वेंट में। सो दस इट कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन इट एट दैट टेम्परेचर। यानी इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है इसीलिए और सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होता है। तो ये एग्जाम ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट आपने लिया, एक्वस का मतलब है कि वाटर, आपने साल्ट सॉल्यूशन बनाया। फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर लिया उसमें सोडियम क्लोराइड या और कोई साल्ट ऐड किया तो इसका ये उसमें डिजॉल्व किया तो साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर जब हम सॉल्वेंट लेते हैं और फिर उसके साथ कोई उसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उस टाइप ऑफ सोल्यूशन जो वहां पे बन जाता है उस टाइप ऑफ सोल्यूशन को एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। एक्वस का मतलब है कि वाटर सॉल्वेंट है इसमें, इस सोल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट है तो इसीलिए एक्वस सोल्यूशन कहते हैं इसको। तो अब आपने क्या किया, इफ इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ साल्ट दैट मीन्स साल्ट यानी आपने डिजॉल्व किया किसमें, वाटर में, इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। मोर ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्वड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर देन दिस साल्ट सॉल्यूशन इज देन दिस साल्ट सॉल्यूशन इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो अनसैचुरेटेड आपको याद रखना है कि इसमें सॉल्यूट और ऐड किया जा सकता है एट गिवन टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का जो टॉपिक है टॉपिक था अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉलिबिलिटी एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक टाइप है इसका सॉल्यूशन का, उसको हम कहते हैं ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। आपको मैंने भी बता दिया कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो डिजॉल्व अब नहीं हो जाएगा। तो अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मान लीजिए आपने कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, अब इसमें सोल्यूट ऐड नहीं हो जाएगा एट गिवन टेम्परेचर पे, लेकिन आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में अब और सोल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा,
उसमें और सोल्यूट डिजॉल्व हो जाएगा। अब ये पहले तो सैचुरेटेड सोल्यूशन था, क्योंकि टेम्परेचर आपने इनक्रीज किया, इसमें और सोल्यूट डिजॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है कि इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में बहुत क्वांटिटी यानी मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्योंकि आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आपने डिजॉल्व किया। तो उसका मतलब है कि अब उसमें, लेकिन टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर लिया, ठीक है, उसमें 36 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड किया यानी डिजॉल्व किया उसमें, लेकिन टेम्परेचर क्या था? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें ये मोर सोल्यूट मोर सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जाम्पल 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स कि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसमें अब आप सोडियम क्लोराइड और भी ऐड कर सकते हैं, वो भी अब डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो अब जो सॉल्यूशन बन गया उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यहाँ इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि फिर अगर आप और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, लेकिन अब उसमें और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं हो जाएगी, तो फिक्स टेम्परेचर तक ही ये मोर सॉल्यूट कुछ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाता है। जब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो उसमें फिर ये और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट ऐड नहीं की जाती है। तो ये था अबाउट ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सॉल्युबिलिटी पे होगा। सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करेंगे और इफेक्ट भी देखेंगे टेम्परेचर का, कि सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप नोटबुक साथ साथ मेंटेन करना और अच्छी तरह से कॉपी बनाना, अच्छी तरह से नोटबुक मेंटेन करना। और ये अगर कहीं पे आपको डाउट होगा किसी भी लेक्चर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल में, जो जो हमने जो ये सिलेबस के रिलेटेड है यानी जो इस T1 का है, इसमें अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा, आप तो हमें व्हाट्सएप पे ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।